हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, जिसका भी देखो MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली है, उसका पेपर हुआ है बेटा BSc थर्ड ईयर वालों का आज। तो देख सकते हैं इंप्रोमेट का पेपर 2021 का पेपर हुआ है, केमिस्ट्री का देख लो, केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। 100 नंबर का पेपर था, 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करना था बेटा, 1.5 घंटे पूरा। और हमने आपको देखो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे एग्जाम से पहले, मतलब कल परसों, मतलब आपको 6 तारीख को या 7 तारीख को, 2 दिन पहले दिए थे मैं आपको, 6 तारीख को पेपर दिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। 6 तारीख को जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कितने परसेंट फंसा है, आप देख सकते हो खुद ही लगा के। देखो पहले था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट तीनों पेपर से एक साथ दिए थे और वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, टोटल वही क्वेश्चन जो बताए थे पेपर में वही छपे हैं, तुम देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन में देखो बेटा 30 नंबर का क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन था, यहां देखो। और जैसे ही सेकंड ईयर वाले हो ना, सेकंड ईयर वाले याद रखो, मैं आज शाम तक सारे सेकंड ईयर वालों को डाल दूंगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 का। इंप्रूवमेंट एग्जाम हो रहा है जो बाय आपको 10 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, तो 10 जनवरी को जो होने वाला है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, वो देख लेना, वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है बेटा, वही पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो पहला क्वेश्चन, देखो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिया था, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। देखो जो देखो अच्छा, ना ही मैंने आपको दूसरा इंपोर्टेंट दिया, चुंबकीय सुग्रता वाला, ये भी मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, इसको छोड़ दो। अब देखो नीचे वाला, हमें एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, यहां से हमसे देखो कितने क्वेश्चन पूछे, 6 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से हमें एक क्वेश्चन करना है। देखो कह रहा है एक प्रश्न को उत्तर दीजिए, तो एक प्रश्न करना है क्षेत्र में से। देखो ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट दिया था, ग्रिग्नाइट अभिकर्मक बनाने की विधि, मैंने क्या होता है और ग्रिग्नाइट बनाने की विधि, उनके उपयोग, पूरा क्वेश्चन फंसा ये 30 नंबर का बेटा, ये क्वेश्चन फंस के देखो, ये इंपोर्टेंट दिया था मैंने। मैंने आपको रंजक बताया था, रंजक क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण करो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सिद्धांत की विवेचना करते हुए, पूरा ये भी 30 नंबर का पूरा फंसा है आपका, देखो। और एक ये भी क्वेश्चन मैंने देखो, श्रेणीकरण समीकरण दी थी मैंने आपको, इंपोर्टेंट पेपर 3 में दिए थे, मतलब कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें दिया था, पहला ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिया था कि श्रेणीकरण समीकरण याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ जो फाइव और फाइव स्क्वायर जो बोला गया इसके महत्व के बारे में, ये भी देखो पूरा फंस गया, ठीक है, ये भी 30 नंबर का पूरा फंसा है। अब देखो हमें केवल एक करना है, और देखो 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 ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक जो दबाव था इसके बारे में मैंने इंपोर्टेंट नहीं दिया था, इसको छोड़ो। हमें देखो इन तीन में से, देखो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन फंसा 30 नंबर का बेटा, 30 नंबर का फंसा है। देखो मैं जो कहता हूं वो समझ लो कि वही आता है पेपर में, इस बात को याद रखना है तुम्हें। बस पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ जिसका एक एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है BSc बाई पेपर हैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी मैंने वीडियो डाली थी बना के कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लेना बस, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और वही देखो यार 30 नंबर का पूरा क्वेश्चन फंसा है, आप देख सकते हो। अब पहुंचते हम शॉर्ट में, शॉर्ट में देखो क्या ये फंसे, बस मैं आपको दिखा रहा हूं शॉर्ट वाला देख लो, और बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 20 नंबर के पूरे पक्के फंसे हैं। कैसे, आपने यदि आपने हमारा हमारे ऐप को डाउनलोड करा होगा, प्ले स्टोर से ना ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया होगा, और वहां से हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, तो एक एक क्वेश्चन फंसा है, 20 नंबर वहां के क्लियर हुए हैं, बिल्कुल क्लियर, मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एप्लीकेशन का, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन की लिंक है, ठीक है, वहां से जाकर देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी बेटा, देखो ध्यान से इसको समझो, तो देखना है ध्यान से। देखो यहाँ क्या बोला है, देखो यहाँ हमें 4 क्वेश्चन करना है बेटा, सॉरी 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो 4 करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमें करना है बेटा, 4 क्वेश्चन करना है, 5 नहीं करने थे, मतलब हमने 10 क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन 4 क्वेश्चन करना है, ठीक है, 4 मतलब 4 क्वेश्चन हमें करना है। अब देखो 4 क्वेश्चन जब करना है तो ध्यान देखना है, 10 क्वेश्चन में से हमें शायद 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, देखो एक मिनट देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन है बेटा, 10 क्वेश्चन, 10 में से हमें 4 क्वेश्चन करना है, कैसे करोगे, देखो ये देखो स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज पूरा क्वेश्चन आ गया बेटा, जो मैंने इंपोर्टेंट दिया था वही क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, स्पेक्ट्रम केमिकल सीरीज पूरा क्वेश्चन आ गया बेटा, कितने नंबर का है, तो आप कहोगे 12.5 नंबर का पेपर है बेटा, 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये 12.5 नंबर का क्वेश्चन है, 12.5 नंबर का, देखो 12.5 नंबर का क्वेश्चन है एक, ठीक है, तो देखो ये फंस गया, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है देखो ये वाला, ये देखो अवस्था में मैग्नीज के महत्व, मैग्नीज के बारे में बताया था मैंने, मैग्नीज के महत्व पढ़ लेना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मैंने दिया था आपको इंपोर्टेंट, आपको पता होगा मैग्नीज के महत्व, ये भी क्वेश्चन फंस गया 12.5 नंबर का, 12.5 नंबर का ये क्लियर हुआ बेटा, देखो 12.5 12 कितने हो गए, 25 नंबर हो गए बेटा, ये 25 नंबर हो गए अब तक। उच्च और निम्न जिस, देखो संकुल के बारे में नहीं बताया था मैंने, छोड़ो, कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं बताया था, इसको छोड़ो, ठीक है, और देखो पीएनएस स्पेक्ट्रम की, इसको भी नहीं बताया था, छोड़ो, ठीक है। सल्फो, देखो सल्फोनिक अम्ल की तीव्र अम्ल की तरह किस व्यवहार करता है ये बताऊं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि बताया था लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था, छोड़ो, इसको भी छोड़ दो, ठीक है, और किलो इसको भी छोड़ दो, चालकता के बारे में, और हाइजेन बर्ग का अनिश्चित सिद्धांत, पूरा क्वेश्चन देखो ये फंसा है, पूरा क्वेश्चन लगा लो 12.5 नंबर, 12.5 नंबर ये लगा लो बेटा, 12.5 नंबर ये लगा लो, हाइजेन बर्ग का अनिश्चित, पूरा क्वेश्चन फंस गया, देख लो ध्यान से, देख लो तो कहा वही क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन फंसा है। और देखो ये देखो क्वांटम संख्या क्या होती है, पूरा क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर पूरा आ गया बेटा, 12.5 नंबर, 12.5 नंबर ऐड करो, चारों को चारों क्वेश्चन फंसे हैं, देख लो चारों के चारों क्वेश्चन फंसे हैं। और देखो ये भी क्वेश्चन फंस गया, विद्युत चुंबकीय विकिरण किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन फंस गया,
साढ़े समझ लो पूरा पूरा 100% पेपर पता है, पूरा पेपर लीक हो गया समझ लो। ये बारे मैंने इंपोर्टेंट दे दिया था, अब लोग स्पेक्ट्रम और सर्जन स्पेक्ट्रम समझा दिए, ये नहीं दिया था इंपोर्टेंट, छोड़ो। अब देखो पूरा क्वेश्चन फंस गया बेटा, पूरा क्वेश्चन देखो, पूरा देखो, ये मैंने पांच क्वेश्चन फंसे हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन फंसे हैं, मैंने आपको बताया पांच क्वेश्चन ये फंसे, हमें 4 क्वेश्चन करना है, पूरे कितने हो गए 50 नंबर के हो गए, 30 नंबर का वो था, 80 नंबर का हो गया। अब देखो फाइव क्वेश्चन हमें यहां करना है, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है बेटा, 4-4 नंबर के हैं। और मैंने यदि आपने हमारे एमसीक्यू क्वेश्चनों की ऐप को मतलब कि एप्लीक, यदि हमने पीडीएफ नोट्स आपने डाउनलोड किए होंगे तो आप वहां से कर सकते हो, यदि आपने नोट्स नहीं किए और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड किया होगा ना प्ले स्टोर से, तो भी आपको वहां से पूरा पेपर आपको फंसा है, पूरा पेपर फंसा है। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो ऑप्शन नंबर ए होगा, देख लो इसका आंसर मैंने शायद लगा दिया अभी, इसको देखिए वर्ग समतल नहीं होगा, ठीक है, तो एन आई सी एल फोर के 12- का चुंबक की जो आवृत्ति होती है वो वर्ग कह सकते हैं वर्ग समतुल्य होती है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो शायद तीसरे वाले का ये है, ठीक है, 3F हुआ इस वाले का, D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो अवस्था टर्म होती है वो 3F होती है, तो इस प्रकार से देख लेना अपने आप। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे वो एप्लीकेशन से सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं, सारे क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन से फंसे हैं, ध्यान कर लो, ठीक है, या देख लो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ये ऑप्शन ये यदि आपने हमारे वो पढ़े होंगे ना एमसीक्यू क्वेश्चनों की पीडीएफ देख लो, यदि आपको नहीं लगता तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को आंसर वहीं देख पाओगे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, केमिस्ट्री के ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को, फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, और इन क्वेश्चनों के आंसर वहीं से आप लगा लेना कि आपके कितने आंसर सही गए कितने गलत गए, सारे क्वेश्चन वहीं आप दिख जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन देखो सारे वहीं मिलेंगे आपके आंसर, सारे वहीं हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत वहीं मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सब कुछ वहीं मिलेगा, आइंस्टीन के नियम का पालन करती है कौन सी समीकरण, सब वहीं मिल जाएगी बेटा, ठीक है, लौह चुंबकीय कौन सा है, सारे ये बिल्कुल आपको। पेपर लीक हुआ था पूरा, जो हमने बताया मतलब कि 100 नंबर में से 100 नंबर का फंसा बेटा, 100 नंबर में 100 नंबर का पूरा पेपर लीक हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और देखो जिसके पास जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के नोट्स मतलब अभी जो पेपर हुआ है वो मुझे भेज दो, मैं आपको दिखा दूंगा इसका, जूलॉजी का केमिस्ट्री का फिजिक्स का जिसका भी पेपर हुआ है, ठीक है बेटा फटाफट भेज दो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हाँ एमजेपीआरयू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वालों जो मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन को रट के चले जाया करो, बस कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड ईयर वालों ध्यान रखना 10 तारीख को पेपर है आपका, तो आज मैं शाम को सब पेपर डाल दूंगा, कोई पढ़ लेना, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।